तो चलिए जी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेट मैकेनिक्स। तो गाइस आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक से एक कमाल के इंटरेस्टिंग अपडेट्स है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बारे में। ट्विटर के बैन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक और बहुत बड़े यूट्यूबर को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, पारस ऑफिशियल के बारे में एक अपडेट है मेरे पास। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के एक ट्रेलर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया, उसके बारे में मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा। रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगर अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर आप चेक कर लेना कि आपने लाइक करा या नहीं करा। अगर नहीं करा तो मेक श्योर लाइक कर देना, एंड भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना। गिव अवे चल रहा है चैनल का, अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में 20 रॉयल पास का गिव अवे है, तो फटाफट से जाकर उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना। आगे बढ़ो उससे पहले भाई, अगर आपके पास कोई न्यूज़ आती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो, मेरा यूजर नेम, आपको क्रेडिट भी दिया जाएगा अगर आप मेरे को कोई भी पर्टिकुलर न्यूज़ सबसे पहले इंस्टाग्राम पर भेजोगे। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करूंगा भाई मैं पारस ऑफिशियल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पारस को यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को पता है भाई रेसिस्ट कमेंट पास किया था अरुणाचल प्रदेश के MLA के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, जिसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल हुआ आप सभी जानते हो। एंड यहाँ पर दोस्तों फाइनली यहाँ पर अपडेट ये है पारस ऑफिशियल के केस में कि पारस को जो है यहाँ पर जो है वो अरुणाचल प्रदेश लेके आया जा चुका है। आपको स्क्रीन पे फोटो नज़र आती होगी, जी हाँ दोस्तों। एंड अब बात करते हैं पारस ऑफिशियल के ऊपर कौन सी धाराएं लगी है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर पारस ऑफिशियल के ऊपर जो धाराएं लगी है वो यहाँ पर 120A, 153A एंड 502। और ये जो 502 है भाई, इस पे दोस्तों यहाँ पर जो है वो कम से कम 5 से 6 साल की सज़ा हो सकती है पारस ऑफिशियल को। तो ये अपडेट था पारस ऑफिशियल के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एक और यूट्यूबर के बारे में। जी हाँ, मैंने आपको 3 यूट्यूबर्स के बारे में बता के ऑलरेडी रखा हुआ है, GTX Preet, 420 Gaming एंड पारस ऑफिशियल। अब यहाँ पर इसमें एक और यूट्यूबर को ऐड कर दो जिसका नाम है गौरव जोन। इसने क्या किया कि यहाँ पर अपने पेट को जो है वो भाई बैलून से जो है वो उड़ा दिया ऊपर में, ठीक है ना। और यहाँ पर भाई ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होने लगा, जब लोगों के पास पहुँची तो भाई लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो उसको क्रिटिसाइज़ किया, हेट दिया कि भाई इस तरीके से तुम कैसे कर सकते हो। जी हाँ, और उसके पेट का नाम है डॉलर जोन। जी हाँ, डॉलर नाम है आई थिंक। एंड यहाँ पर भाई इसके ऊपर भी FIR हुआ एंड इसको फाइनली दोस्तों मालवीय नगर की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। भाई यहाँ पर इसके ऊपर जो धाराएं लगी है वो मैं आपको बताता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड सेक्शन 111A एंड सेक्शन 111D प्रिवेंशन ऑफ क्यूरिटी ऑफ एनिमल एक्ट के तहत इसके ऊपर भाई धारा लगी है और यहाँ पर इसको फाइनली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो भाई इस तरीके के काम करते ही क्यों यार तुम लोग, तो भाई इसको अरेस्ट कर लिया गया। और भाई अरेस्ट करना ही चाहिए इस तरीके से, तुम कैसे बेजुबान क्यों जो है वो बलून्स में बांध के उड़ा दो। खैर, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो अब बात करते हैं ट्विटर बैन के बारे में। तो यहाँ पर ट्विटर ने भाई इस तरीके से जो कि इंडियन गवर्नमेंट का नया रूल आया भाई, उसको मतलब वो जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एंड यहाँ पर दोस्तों उसने बोला है कि मेरा जो हेडक्वार्टर है वो US में है, तो हम यहाँ पर जो इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। एंड इसको लेकर भाई यहाँ पर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा फटकार लगा दिया ट्विटर के ऊपर। एंड हो सकता है कि अब ये बैन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखता होगा, आपको अगर पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लेना, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है कि ट्विटर जो है यहाँ पर लोगों की आवाज़ को रोकना चाहता है। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है, जो चीज़ें जो भी कानून बनाती है, तो ऑब्वियसली आपको मानना पड़ेगा ही। अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई कानून निकालेगा, तो अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको मानना पड़ेगा उस कानून को। वैसे यहाँ पर ट्विटर दोस्तों यहाँ पर इंडिया में अपना काम कर रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रूल दिया तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें लिखी है दोस्तों, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। इसका कंक्लूजन यही है दोस्तों कि यहाँ पे ट्विटर पे जो है दोस्तों, ट्विटर पे ही ट्विटर बैन इन इंडिया की मांग की जरिए, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ट्विटर बैन हो जाए इंडिया में, ऐसा देखने को मिले आपको बहुत जल्दी। अगली अपडेट की बात करूँ तो भाई निकल के आ रहा बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की तरफ से। तो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का एक ट्रेलर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कि ऑफिशियल चैनल पे ही है। तो अभी यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखता होगा, यहाँ पर मैं आपको प्ले नहीं कर सकता हूँ। तो टाइटल जो है वो प्री रजिस्टर नाउ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, और इसके व्यूज जो है वो 6.2 लाख है एंड एक वीक पहले अपलोड किया। अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेलर है वो अनलिस्टेड मोड में है एंड यहाँ पर 3,000 लाइक और 6.2 लाख व्यूज है। तो बहुत सारे लोग भेज रहे थे कि भाई यहाँ पर ये कौन सा ट्रेलर है, हम लोगों को नोटिफिकेशन भी देखने के लिए नहीं मिला। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कौन ट्रेलर है। देखो ये जो ट्रेलर अपलोड किया गया है, ये यहाँ पर भाई प्रमोशनल कैंपेन चलाने के मकसद से करा गया था। आप लोग मेरी ही वीडियो पे कभी कभी देखते होंगे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का ऐड आता है तो आप उसको स्किप करते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पे YouTube पे ऐड चलाने के लिए इसको अपलोड किया गया और इसको अनलिस्टेड मोड में रखा गया है। एंड कोई बंदा क्या किया है कि जो ऐड चल रहा था वहाँ पर से लिंक कॉपी करके सारी जगह सर्कुलेट कर दिया, यहाँ पर वायरल हो गया है। तो भाई ये आपका पुराना वाला है ट्रेलर, जो पहला ट्रेलर आया था, अर्शद भारती सर जो है केवाड़ी खोल के जो आते हैं बोलते हैं भाई बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आ गया, फ्री रजिस्टर
कर सकते हो। तो वही ट्रेलर है बेसिकली यहाँ पे अनलिस्टेड मोड में, इसको पब्लिक करा ही नहीं गया है। एंड जब पब्लिक नहीं किया गया तो भाई आपको नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा? लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल ये था कि भाई इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिला। उम्मीद है आपको जवाब मिली होगा, बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे थे। अब बात करते हैं बैटल ग्राउंड्स फॉर इंडिया के रिलीज डेट के बारे में। तो भाई रिलीज डेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ना 15 से 20 के बीच में, यानी कि 15 जून से 20 जून के बीच में आपको 100% जो वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो 15 से 20 जून तक जो वो आपका बैटल ग्राउंड्स बॉल इंडिया इंडिया में जो है वो लॉन्च हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी दोस्तों बैटल ग्राउंड्स बॉल इंडिया के बारे में, और भी जो अपडेट्स थी मैंने आपको बता दिया। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय।